हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश। मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो फाइनली इसकी जो सारी डिटेल्स है वो लीक आउट हो गई है। ये मैं किस तरह की लुक वाइज देखने को मिलेगी मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स के जो क्लियरली इमेजेस है वो मैं आज आपके शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे इमेजेस आए हैं कि ये हमें फ्रंट से, रियर से, साइड से किस तरह की देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स है उसकी सारी डिटेल्स लीक आउट हुई है और फ्रेंड मैं जो आपको वेरिएंट बताने वाला हूँ वो 350cc वेरिएंट है। और फ्रेंड ये कुछ हद तक हमें हार्ली डेविडसन जैसे भी देखने को मिलती है, मतलब ये हमें कुछ टाइप की प्रीमियम क्रूजर बाइक जैसे देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड जब मैं बात करने वाला रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के कुछ डिजाइन डिटेल्स के बारे में कि हमें फ्रंट से किस तरह की देखने को मिलती है, तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें न्यू हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें इंडिकेटर LED DRL देखने को मिलेगी और उसी के साथ हमें इसके अंदर कन्वेंशनली लाइट टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो फ्रेंड जो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें टोटली अपडेटेड देखने को मिलता है। फ्रेंड इसके अंदर हमें न्यू फिंगरप्रिंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ LED स्क्रीन और एनालॉग स्पीडोमीटर भी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड अब मैं बात करने वाला रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के कुछ हैंडल बार के बारे में। तो फिर जो इसका हैंडल बार है वो हमें रेट्रो इंस्पायर्ड टोगल स्विचेस सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें हाई बीम और इग्निशन स्विच देखने को मिलते हैं और इसके अंदर हमें न्यू हैंडग्रिप्स भी हमें देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला इस बाइक के सीट सेटअप के बारे में। तो फ्रेंड इसके अंदर भी हमें न्यू सीट डिजाइन देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें राइडर और पिलियन सीट सेटअप देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाले इस बाइक के इंजन के बारे में। तो फ्रेंड इसके अंदर हमें BS6 कंप्लीएंट 346cc का इंजन सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें जो पावर आउटपुट है वो भी लीक आउट नहीं हुए है। और फ्रेंड्स के अंदर हमें 500cc का भी इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, मतलब जो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स है वो हमें 350cc और 500cc दोनों वेरिएंट में अवेलेबल होगी। और फ्रेंड जो न्यू रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स है उसके सस्पेंशन सेटअप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ये हमें एडिटिस देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर हमें न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं जिसके अंदर फ्रंट एंड रियर दोनों में हमें डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिलेगा जो हमें सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड अगर मैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स के प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो फ्रेंड जो करंट जनरेशन की जो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड है उससे इसका 15,000 से 20,000 जितना जो प्राइस है वो इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड फिलहाल तो इस बाइक के बारे में इतनी डिटेल्स लीक आउट हुई है जो मैंने आपको बताया, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई डिटेल्स आती है तो मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। और फ्रेंड इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले ताकि हमारे चैनल की हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।